कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बताएंगे आपको किस चीज का सर्जरी हुआ था? मैम ये मेरा यूट्रस रिमूव करना था और मैं बहुत इमरजेंसी केस में आई थी और काफी ज्यादा मेरी बॉडी ब्लीड कर रही थी। हाँ। और मैडम ने जैसे तुरंत मुझे लिया कि ऑपरेट करना है और ये करना है, और मुझे मैम मतलब ना तो मेरे को कोई फिजिकल स्ट्रेस महसूस हुआ, ना किसी भी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस हुआ। एक दिन जरूर थोड़ा सा सा खिंचा। आप आए थे उस दिन तो 3 बजे तो आप आए थे हमारे पास, है ना? हम तीन के भी बाद में के बाद ही आए थे, 4 बजे उसी समय हमने फटाफट जांच कराया और 6:30 बजे आप कोटी में लिया और आपका सर्जरी आधे घंटे में पूरा हो गया था। मैम और आप सब लोगों के पूरे स्टाफ की और पूरे हॉस्पिटल की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने सब इतना अच्छे से करा मैम, वरना मैं बहुत 2 महीने से मैम तो मैं इतनी इतना ब्लीड हो रहा था बहुत ज्यादा मैम, मेरा इवन 6 या 8 सोनोग्राफी में वैसे आपके गांठ नहीं आया था लेकिन आपके हमने जब देखा था तो उसमें एडेनोमायोसिस चेंज और एक फाइब्रॉइड भी आया हुआ, तो सोनोग्राफी में कई बार सारी चीजें पता भी नहीं चलती है। बिल्कुल है ना, तो उसमें जब हमने जब यूट्रस डिलीवर आउट किया उसमें देखा और अभी बायोप्सी रिपोर्ट आया उसमें भी एडेनोमायोसिस नाम का एक बीमारी है वो आई। ठीक है, तो अभी 7 दिन हो गए, आपका कोई खाने पीने का कोई दिक्कत वगैरह? मैम बिल्कुल भी नहीं, मेरे को एक भी कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, इवन जो मेरे को होश आया उसके बाद भी मुझे कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई, बहुत आराम से रही मैं। एक दिन मैंने परहेज करा खाने पीने का कि भी थोड़ा लाइट फूड वगैरह ले लें, उसके बाद में जैसे दाल सब्जी चपाती वगैरह लेते हैं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ पर हूँ, अपने छोटे मोटे काम जो है हिलना डुलना चलना फिरना। और विदिन 24 आवर ऑलमोस्ट आप डिस्चार्ज ही हो गए। हाँ ना, 24 आवर्स के पहले तो पहले मुझे खड़ा करके चलवा दिया आराम से, खाना पीना भी अलाउ कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहा मैम, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और मेरे साथ में कोई फीमेल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मैं और हस्बैंड ही आए थे, लेकिन जैसे चेंज करवाना था ये था वो था। वैसे क्या होता है कि दूरबीन के ऑपरेशन में कोई परहेज नहीं होता, ना ही हमें किसी अटेंडेंट की जरूरत होती, बस एक ही बंदा चाहिए होता है जो हस्बैंड हो तो बेटर रहता है जी। ठीक है ना, उसके अलावा दूरबीन का यही एक फायदा होता है कि जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी छुट्टी हो जाता है, कोई भी खाने पीने का परहेज नहीं, ना कोई पेट पे चीरा होता है, तो आराम से आप खुद ही देख सकते हैं कि पेशेंट कितने अच्छे से। मैं बहुत हैप्पी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैम मुझे ना फिजिकल स्ट्रेस महसूस हुआ किसी भी तरह का, ना कोई मेंटल स्ट्रेस हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो सर्जरी का जो ट्रोमा होता है ना वो ज्यादा उससे कम ज्यादा डरा देते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, बच्चा निकलेगी, वो होगा, शरीर में कमी हो जाएगी, है ना, जगह खाली रह जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं हुआ, जबकि सब लोगों ने कहा कि मुझे बेल्ट लगा लेना, ऐसा मैम मुझे उसकी भी जरूरत महसूस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। सब लोगों को ये कहना चाहिए दूरबीन वाला अच्छा है ओपन वाला? नहीं मैम, दूरबीन वाला अच्छा है, और अगर दूरबीन के अंदर भी ये है कि मैम जैसे मैम का जितना हाथ साफ है, आप लोगों का जितना परफेक्शन है अपने फील्ड में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी को जयपुर में आके करवाना है तो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में ही आके करवा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।